हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। सो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे एलसी नेटवर्क का रियलाइजेशन यूजिंग द फॉस्टर फर्स्ट फॉर्म। सो अगर आपको इन टॉपिक्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, सो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो लेट गेट स्टार्टेड विद द फॉस्टर फर्स्ट फॉर्म। सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी भी नेटवर्क को सिंथेसाइज करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें पहला मेथड जो था वो था क्या, फॉस्टर फॉर्म थी, एंड सेकंड मेथड वाज कॉर फॉर्म। ओके, सो यूजिंग दीज टू मेथड और फॉर्म हम किसी भी नेटवर्क को रियलाइज कर सकते हैं। एंड फर्दर जो फॉस्टर फॉर्म है वो दो टाइप की थी, फॉर्म वन एंड फॉर्म टू। ओके, सो फॉस्टर फॉर्म वन, सो आई एम राइटिंग फर्स्ट फॉर्म एंड दिस इज सेकेंड फॉर्म। सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। सिमिलरली कॉर फॉर्म के भी दो फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म। सो दिस इज फर्स्ट फॉर्म एंड सेकेंड फॉर्म। सो आज के लेक्चर में हम लोग फॉस्टर फर्स्ट फॉर्म देखेंगे। एंड वी नो दैट अगर हमें नेटवर्क को सिंथेसाइज करना है यूजिंग द फॉस्टर फर्स्ट फॉर्म, तो हम तीन तरीके के नेटवर्क को सिंथेसाइज कर सकते हैं। इट कैन बी आरसी नेटवर्क, आरएल नेटवर्क और एलसी नेटवर्क। सो आज के लेक्चर में हम एलसी नेटवर्क को सिंथेसाइज करेंगे यूजिंग द फॉस्टर फर्स्ट फॉर्म। ओके, सो नाउ फॉस्टर फर्स्ट फॉर्म, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज इम्पीडेंस फॉर्म, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि जो हम फंक्शन सिंथेसाइज करते हैं वो जेड ऑफ एस होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में सपोज वाई ऑफ एस गिवन है, तो पहले आपको जेड ऑफ एस फाइंड आउट करना पड़ेगा यूजिंग द रिलेशन। वी नो दैट इम्पीडेंस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ एडमिटेंस। ओके, सो अगर वाई ऑफ एस एक पॉजिटिव रियल फंक्शन है, तो जो उसका रेसिप्रोकल होगा वो भी एक पॉजिटिव रियल फंक्शन होगा। तो इट मीन्स हम उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं यूजिंग द फॉस्टर फर्स्ट फॉर्म। ओके, सो वही मैंने लिखा है सेकेंड पॉइंट में, इट रिक्वायर्ड जेड ऑफ एस फंक्शन। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट फंक्शन एफ ऑफ एस इज सॉल्व यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। सो मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस लेक्चर में कि अगर हम फॉस्टर फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, देन वी हैव टू यूज़ अ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। एंड अगर हम नेटवर्क को सिंथेसाइज कर रहे हैं यूजिंग द कॉर फॉर्म, देन वी हैव टू यूज़ डिवीजन मेथड। ओके, कॉर फॉर्म हम बाद में देखेंगे, आज हम फॉस्टर फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड वी विल बी यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड टू सिंथेसाइज द नेटवर्क। सो यहाँ पे क्या है कि जो फॉस्टर फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसीलिए वहाँ से क्या है हमें इम्पीडेंस फॉर्म मिलती है, बिकॉज एलिमेंट इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज। और अगर हम एलिमेंट्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, देन वी विल बी गेटिंग द एडमिटेंस फॉर्म, जो कि हमारी फॉस्टर सेकेंड फॉर्म होती है। ठीक है, नाउ वट इज़ अ जनरल सर्किट ऑफ द फॉस्टर फर्स्ट फॉर्म। सो जैसे मैंने बताया कि जो एलिमेंट्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। सो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास क्या है, ब्लॉक्स होते हैं एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, सो इस तरीके के हमारे पास ब्लॉक्स होंगे एंड इन ब्लॉक्स के अंदर हम वी हैव एलिमेंट्स। ओके, सो दिस इज़ द जनरल सर्किट ऑफ फॉस्टर फर्स्ट फॉर्म। सो वी विल बी गेटिंग जेड ऑफ एस फंक्शन। सो यहाँ पे क्या है कि जो ब्लॉक्स हैं इनके अंदर एलिमेंट होते हैं। अब सपोज अगर हम आरसी नेटवर्क को रियलाइज कर रहे हैं, तो जो इन ब्लॉक्स के अंदर जो एलिमेंट हैं वो सिर्फ रेसिस्टर एंड कैपेसिटर के कॉम्बिनेशंस होंगे। ठीक है, तो सपोज इस ब्लॉक में ओनली रेसिस्टर हो सकता है, इस ब्लॉक में ओनली कैपेसिटर हो सकता है, एंड यहाँ पे क्या है कि रेसिस्टर एंड कैपेसिटर के पैरेलल कॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं। सो विद इन द ब्लॉक पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो सकते हैं, बट ये जो ब्लॉक्स हैं वो आपस में कैसे सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। ओके, so this was our fourth point. So this is the general circuit of the Foster first form. Okay, similarly अगर RL network है, so this network will be consisting of only resistor and inductor element. And similarly अगर LC है, तो उसके अंदर सिर्फ L and C elements होंगे, कोई भी resistor element नहीं होगा. So now let us discuss the LC network realization using the Foster first form. So LC नेटवर्क का जो जनरल सर्किट है, इट इज़, सो यहाँ पे क्या है कि सिर्फ रेसिस्टर एंड कैपेसिटर होगा। सो फर्स्ट एलिमेंट इज़ L, देन वी हैव कैपेसिटर, देन वी हैव पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ओके, देन अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन इंडक्टर एंड कैपेसिटर का होगा, एंड सो ऑन। सो इस तरीके से क्या है कि ये रिपीट होता रहेगा अप टू LN inductor and
CN capacitor. So this is general circuit. So elements are, suppose this is L0, this is C0, this is L1, C1, L2, C2 capacitor, and this is LN and this is CN. So ये जो है वो general circuit है LC network का. यहाँ पर क्या है, कोई भी resistor नहीं है. Okay, so अगर कोई भी resistor नहीं है तो कोई loss नहीं होगा. So this is a lossless network. Okay, और loss free network. ठीक है. So now in the step 1, we will replace the capacitor by 1/CS and we will replace inductor by S×L. Okay, so now let us draw the further circuit. So यहाँ पे क्या है कि जो inductor है उसको हम S×L से replace करेंगे. So it will become S×L0 and this is capacitor. So this will become 1/C0×S. Okay, then we have inductor and this is capacitor. This is also inductor and this is capacitor and so on. So this is S×L1, S×L2 and this is S×LN, and capacitor value will be 1/C1S, 1/C2S and 1/CNS. Okay, so now if we see this circuit, we can simplify it further. So यहाँ पे क्या है कि जो inductor है और capacitor वो क्या है, parallel में connected है, तो उसे हम further simplify कर सकते हैं. Okay, इसका Z equivalent we will find. So let us further simplify the circuit. So in the step 2, we will solve series parallel combination. Series parallel combination and we will find equivalent circuit. So first element जो था वो inductor था, then we have capacitor. So now if we simplify this inductor and capacitor, then we can use the formula Z1 Z2 divided by Z1 plus Z2. So जो Z1 है that is S×L1 into 1/C1S divided by SL1 plus 1/C1S. So we will be getting L1S divided by, it will be equal to 1 plus L1C1 into S square. Okay, this is for this block. Okay, so उसको हम simplify कर सकते हैं and it will be something like this. So this is the element. Similarly next parallel combination को भी हम solve कर सकते हैं, so on up to the last element. Okay, so अब इनकी values लिख लेते हैं. It will be L0×S. This was 1/C0S. So इस पे parallel combination को solve करने के बाद we are getting L1S divided by 1 plus L1C1 into S square. Okay, and it will be equal to L2S divided by 1 plus L2C2 into S square. Similarly for the last element, it will be LN×S divided by 1 plus LNCN into S square. So अब यहाँ पे क्या है कि जो सारे elements हैं वो क्या है, series में connected हैं. Okay, so all the elements are connected in series. So we can easily find out its impedance. So ये क्या है, सारे series में connected होंगे, then we will be getting. So series में we add the impedance, it will be equal to L0S plus 1/C0S L1S divided by 1 plus L1C1 S square plus L2S divided by 1 plus L2C2 into S square plus so on plus LNS divided by 1 plus LNCN into S square. Okay, now in the next step we have to make the coefficient of S square as 1. Okay, so S square का जो coefficient है वो हमें 1 बनाना है. It means we have to take common. So यहाँ से हम L1C1 common लेंगे and from here we will take L2C2 common. Okay, so make S square coefficient as 1. Okay, so it will be L0×S plus 1 by
C0S plus we have L1S. ओके यहाँ से क्या है, हम L1 C1 को कॉमन ले लेंगे, देन वी आर गेटिंग दिस विल बी इक्वल टू L1S डिवाइडेड बाय, सो वी हैव टेकन L1 C1 कॉमन, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस. ओके एंड यहाँ से L1 C1 अगर हमने कॉमन ले लिया देन इट विल बी इक्वल टू 1 बाय L1 C1, सो दिस इज 1 बाय L1 C1 प्लस एस स्क्वायर. सिमिलरली फ्रॉम द सेकेंड टर्म that is L2S, so we will take L2 C2 common, so this will be equal to 1 by L2 into C2 plus S square, okay, and so on up to last term, that is LN into S divided by, so let us take LN into CN common, so this will be equal to 1 by LN into CN plus एस स्क्वायर. सो अब यहाँ पे क्या है कि जो एस स्क्वायर का कोफिशियंट 1 हो गया, सो वी कैन कैंसिल आउट, सो L1 and from here L2 and from here LN will get cancelled out. So we are getting L0S, so this is L0S plus 1 by C0S plus it will be S by C1, इस फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं, that is 1 by L1 C1 plus S square, okay, and then we can write S by C2 divided by 1 by L1 C1, sorry it is L2 C2, so 1 by L2 into C2 plus S square and so on up to S by CN divided by 1 by LN CN plus S square. So this is the general equation for the Foster first form, okay, LC network के लिए है ये. So this is the general equation for LC network in Foster first form, okay. So ये सिर्फ Foster first form के लिए है and that is only for LC network. So ये equation आपको याद रखनी होगी in order to solve the questions. So एक example discuss कर लेते हैं based on this concept. So example is, so यहाँ पे हमें एक function of s given है which is s into h square plus 4 divided by s square plus 1 into h square plus 9. So we have to realize the given function in the Foster first form. Okay, so यहाँ पे क्या है कि वो function जो आपको देगा उसमें वो बताएगा नहीं question में कि आपको LC network करना है, RC या RL network करना है, वो आपको खुद पता लगाना है. तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम फंक्शन को देख के कैसे पता लगा सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है वो एलसी नेटवर्क का है या आरसी या आरएल का है. सो जैसे मैंने बताया, सो यहाँ पे क्या है कि जो फंक्शन ऑफ एस हमें गिवन है दैट इज़ एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9. ओके, सो ये फंक्शन हमें गिवन है, सो हमें पता लगाना है. तो सबसे पहले हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं. इट विल बी इक्वल टू एस क्यूब प्लस 4 इंटू एस डिवाइडेड बाय, इट विल बी इक्वल टू एस की पावर 4 प्लस 10 इंटू दिस इज एस स्क्वायर एंड देन प्लस 9. सो इफ़ यू सी दिस फंक्शन केयरफुली देन यू विल ऑब्जर्व दैट जो न्यूमरेटर पॉलिनॉमियल है इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ऑड पॉलिनॉमियल, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि जो न्यूमरेटर है उसमें जो एस है उसकी जो पावर है वो सिर्फ ऑड है, दैट इज़ एस क्यूब एंड एस की पावर 1. सो इट मीन्स जो न्यूमरेटर है दैट इज़ अ ऑड पॉलिनॉमियल. सिमिलरली जो डिनोमिनेटर हमें गिवन है दैट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ एस पावर 4 देन एस स्क्वायर एंड देन एस की पावर 0. सो जो डिनोमिनेटर हमें गिवन है वो क्या है, इवन पॉलिनॉमियल है. सो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इस तरीके का कोई भी फंक्शन गिवन है जहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो ऑड पॉलिनॉमियल है एंड डिनोमिनेटर इवन पॉलिनॉमियल है, या इसका रिवर्स भी हो सकता है. ओके, दैट इज़ न्यूमरेटर जो है वो इवन पॉलिनॉमियल हो सकता है या डिनोमिनेटर, देन इट विल बी ऑड पॉलिनॉमियल. तो इस तरीके का अगर आपको फंक्शन गिवन है देन क्लियरली इट विल बी अ फंक्शन फॉर दी एलसी नेटवर्क. सो यहाँ पे क्या है कि जो हमें पता लग गया कि जो फंक्शन है वो एलसी नेटवर्क का है, सो वी हैव टू रियलाइज दिस एलसी नेटवर्क यूजिंग द फॉस्टर फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, सो फर्स्ट स्टेप में हम लोग चेक कर लेंगे
कि जो फंक्शन हमें गिवन है वो पॉजिटिव रियल फंक्शन है कि नहीं. सो उसको पता लगाने के लिए क्या तरीका था कि जो सारे कोफिशियंट्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए एंड इफ़ यू चेक दी हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. सो यहाँ पे क्या है कि जो न्यूमरेटर है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, एस क्यूब है. ओके लेट मी राइट हियर. सो न्यूमरेटर की जो हाईएस्ट पावर है वो एस क्यूब है एंड डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर है वो एस की पावर 4 है. तो यहाँ पे क्या है कि जो हाईएस्ट पावर का जो डिफरेंस है इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट इज़ 1. सो इट मीन्स कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सारे कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है. सिमिलरली अगर हम लोएस्ट पावर का देखें, सो न्यूमरेटर वी हैव एस पावर 1 एंड डिनोमिनेटर इज एस पावर 0. सो अगेन यहाँ पे क्या है कि जो पावर्स का डिफरेंस है वो यूनिटी है. सो इट मीन्स दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. ओके सो इन द फर्स्ट स्टेप वी विल चेक द हाइएस्ट पावर एंड द लोएस्ट पावर्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड इट शुड डिफर बाय 1. ओके शुड डिफर बाय यूनिटी. ओके एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल चेक. तो यहाँ पे क्या है कि जो डिनोमिनेटर की पावर है इट इज़ ग्रेट, इट शुड बी ग्रेटर देन द न्यूमरेटर पावर, तभी जाके वो प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा. एंड देन अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तभी जाके इसमें पार्शियल फ्रैक्शन एप्लीकेबल है. ओके सो इन द नेक्स्ट स्टेप दैट इज इन द स्टेप 2 वी विल चेक द डिनोमिनेटर पावर और ऑर्डर. सो जो डिनोमिनेटर का जो ऑर्डर है इट शुड बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर पावर और यू कैन ऑल्सो से ऑर्डर. सो यहाँ पे क्या है कि जो डिनोमिनेटर की जो पावर हमें गिवन है वो हाईएस्ट पावर क्या है, एस की पावर 4 है एंड न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर इज एस क्यूब. ओके सो दिस इज न्यूमरेटर हाईएस्ट पावर इज 4 एंड दिस इज 3. सो इट मीन्स दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड. ओके सो इफ दिस इज ट्रू देन वी कैन यूज पार्शियल फ्रैक्शन. ओके सो वी कैन यूज पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. बट सपोज़ अगर कंडीशन फेल हो जाती है. ओके सो इफ़ क्वेश्चन में सपोज़ इस तरीके से गिवन है कि जो न्यूमरेटर की जो पावर है इट इज़ ग्रेटर देन डिनोमिनेटर पावर, देन व्हाट वी विल डू. सो इफ़ ऐसा कुछ गिवन है दैट इज़ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वी हैव गिवन, इट इज़ गिवन एंड यहाँ पे जो न्यूमरेटर की जो पावर है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, देन इट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. सो पहले हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करना पड़ेगा. सो डिवाइड करने के बाद वी विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर बाय डिनोमिनेटर. ओके सो नाउ ये जो फ्रैक्शन हमें मिला, नाउ इसको हम चेक करेंगे फर्दर. सो यहाँ पे जब हम चेक करेंगे वी विल गेट डिनोमिनेटर की पावर विल बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर पावर एंड देन वी कैन अप्लाई दी पार्शियल फ्रैक्शन. ओके बट यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी हमें डिनोमिनेटर की पावर जो गिवन है वो न्यूमरेटर की पावर से ज़्यादा है, तो हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे. सो स्टेप 3 में वी विल अप्लाई use partial fraction method in the third step. Okay. So given function is, so this is s into, so given function is s into s square plus 4 divided by s square plus 1 into s square plus 9. So this is s into s square plus 4 divided by s square plus 1 into s square plus 9. Okay. Now we will apply the partial fraction. So it will be equal to, so यहाँ पे क्या है s square plus 1. Okay. So यहाँ पे क्या है कि जो highest power है वो क्या है s square, I mean second order है. So इसका हम half करेंगे, that is s power 1. So जो numerator में हम select करेंगे वो s होगा and some constant a. Okay. Similarly वी हैव एस स्क्वायर प्लस 9. सो यहाँ पे अगेन जो हाइएस्ट पावर है वो 2 है. सो एस स्क्वायर का अगर हम हाफ करेंगे देन इट विल बी एस पावर 1. सो एस एंड अनदर कोफिशियंट इज बी. ओके सो वी कैन सिंप्लीफाई इट फर्दर. सो लेट अस टेक द एलसीएम. इट विल बी इक्वल टू, सो एस इन टू एस स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 इन टू एस स्क्वायर प्लस 9. सो इफ यू टेक दी एलसीएम इट विल बी इक्वल टू ए इंटू एस. सो दिस टर्म विल बी मल्टीप्लाइड, दैट इज एस स्क्वायर प्लस 9 प्लस बी इंटू एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एलसीएम वी हैव टेकन एज एस स्क्वायर प्लस 1
into s square plus 9. So if we compare left hand side and right hand side, so denominator will get cancelled out. So we are getting s into s square plus 4. It will be equal to a of s into s square plus 9 plus b s into s square plus 1. So it will be equal to s cube plus 4s. So this is a into s cube plus 9as plus bs cube plus b into s. So yahan se right hand side se if we take s cube common, then we are getting a plus b into s cube, and then if we take s common, then we are getting 9a plus b into s. So this is s cube plus 4s. So now if we compare the coefficient of s cube and s coefficients ko agar hum compare karein, then we can easily find the value of a and b. So now let us compare the coefficients of, so compare the coefficient of s cube and s power 1 both sides, then we are getting, so a plus b, it will be equal to, so if we compare, then we are getting a plus b, this is equal to 1. So suppose this is equation 1, and next equation we are getting 9a plus b, it will be equal to 4. So this is equation 2. Now using equation 1 and 2, hum easily a and b ki value find out kar sakte hain. So we will subtract equation 1 from equation 2. Okay, so let us solve further. So let us 2 minus 1, subtract the both equations. So we are getting, so this is 9 of a minus a, this is equal to 8a. So 8 into a, and then we have b minus b, so it will be equal to 0, and then 4 minus 1, it is equal to 3. So it means we are getting 8a is equal to 3. So jo a hai, we are getting as 3 by 8. Okay, so now a ki value mil gayi 3 by 8. Now we will substitute this value in equation 1. So put this value, put the value of a in equation 1. So we are getting a plus b is equal to 1. So 1 is equal to a value is 3 by 8 plus b. So from here b we are getting as 1 minus of 3 by 8, which is equal to 5 by 8. Okay, so b ki value bhi hume mil gai, which is 5 by 8. Now we will substitute the value of a and b in this equation. Yahan pe substitute karenge. So suppose this is equation a. So is equation mein hum a and b ki value substitute karenge. Okay, and then we will compare this partial fraction equation with the general equation jo humne obtain kari thi for the LC network. Theek hai? So let us substitute a and b values in equation a. So left hand side we have s into s square plus 4 divided by s square plus 1 into s square plus 9. So we have taken a into s. So yahan pe jo a hai, we are getting 3 by 8. So this will be equal to 3 by 8 into s divided by s square plus 1. Okay, so this is s square plus 1 plus b into s. So b value is 5 by 8 into s divided by s square plus 1. Okay. So suppose this is equation b. So in the next step, that is in the step 4, we will compare the solution of the partial fraction. So solution of partial fraction, which is equation b. So solution of partial fraction, that is we will compare equation b with the general solution of, with the general solution of first form for LC network. Okay, so general equation humne kya obtain kari thi, let me see. So this is the general equation for the LC network in the Foster first form. So is general equation se hume compare karna hai
इक्वेशन को, जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन का सॉल्यूशन ऑप्टेन करा है. तो सपोज दिस इज इक्वेशन सी. ओके, सो नाउ वी विल कंपेयर इक्वेशन बी एंड इक्वेशन सी. ओके, सो जनरल सॉल्यूशन, सपोज दिस इज इक्वेशन सी. सो नाउ वी विल कंपेयर. सो लेट मी राइट द जनरल सॉल्यूशन फर्स्ट हेयर सो दैट हम इजिली कंपेयर कर पाएँ. सो जनरल सॉल्यूशन वी हैव ऑप्टेन्ड एज एल ज़ीरो एस प्लस वन बाय सी ज़ीरो एस प्लस एस बाय सी वन बाय वन बाय एल वन सी वन प्लस एस स्क्वायर प्लस एस बाय सी टू बाय वन बाय एल टू सी टू प्लस एस स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस एस बाय सी एन बाय वन बाय एल एन सी एन प्लस एस स्क्वायर. सो दिस इज इक्वेशन सी. सो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें देन वी आर गेटिंग, सो यहाँ पे क्या है कि एल ज़ीरो एस है बट यहाँ पे कोई भी एस वाली टर्म नहीं है. सिमिलरली वी हैव वन बाय सी ज़ीरो एस बट यहाँ पे इक्वेशन बी में कोई भी ऐसे टर्म नहीं प्रेजेंट है. देन वी कैन राइट दैट. सो आफ्टर कंपेयरिंग ए एंड बी, सॉरी इक्वेशन बी एंड सी, सो एल ज़ीरो एंड सी ज़ीरो आर नॉट प्रेजेंट इन आवर नेटवर्क. सो एल नॉट एंड सी नॉट, बोथ दीज एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन आवर गिवन नेटवर्क. Now we have 3 by 8 into s by s square plus 1. So if we compare this with this term, so we are getting 1 by c1, it will be equal to 3 by 8. Okay, so from here we are getting the value of c1, it will be equal to 8 by 3. Then yahan pe kya hai s square plus 1, and in the general equation we have s square plus 1 by l1 c1. So yahan pe agar hum compare kare, then we are getting 1 by l1 c1, it will be equal to 1. ओके, सो आफ्टर कंपैरिजन वी आर गेटिंग सी वन वैल्यू वी हैव ऑब्टेन्ड एज 8 बाय 3, इट विल बी इन फेराड. ओके, एंड देन वी हैव ऑब्टेन्ड 1 बाय एल वन इंटू सी वन. सो 1 बाय एल वन इंटू सी वन इट वॉज इक्वल टू 1. सो फ्रॉम हेयर वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ एल वन. सो एल वन इट विल बी इक्वल टू 1 बाय सी वन. सो इट विल बी इक्वल टू 3 बाय 8. So this is 3 by 8 Henry. So let me write here. So L1 value we have obtained as 3 by 8 Henry. Okay, now we will compare the next term. So now if we compare the second term, then we are getting 5 by 8 into S. It will be equal to S by C2. So yahan se agar hum compare karein, then we are getting 1 by C2. It will be equal to 5 by 8. So C2 value we are getting as 8 by 5. Then again 1 by L2 into C2, it will be equal to 1. So we are getting C2 value. So C2 value we have obtained as it was 8 by 5. Okay. So C2 value is 8 by 5 farad. And then we have obtained 1 by L2 into C2, it is equal to 1. So from here we are getting L2 as 1 by C2, which is equal to 5 by 8. I think we have done some mistake. Let me check the equations again. So equation B is 3 by 8 into S by S square plus 1 plus 5 by 8 S into. ओके, सो दिस इज एस स्क्वायर प्लस 9. यहाँ पे मिस्टेक हो गई, दिस वॉज 9. सो नाउ इफ वी कंपेयर देन वी आर गेटिंग 1 बाय एल टू इंटू सी टू, इट विल बी इक्वल टू 9. सो नाउ दिस इज, देर इज अ करेक्शन, दिस इज नॉट 1, दिस इज 9. ओके, सो फ्रॉम हेयर वी आर गेटिंग एल टू वैल्यू, इट विल बी इक्वल टू 1 बाय 9 इंटू सी टू. ओके, लेट मी राइट अगेन. सो दिस इज सी टू वैल्यू वी हैव एल टू वैल्यू, it will be equal to 1 by 9 into C2. So this will be equal to 1 by 9 into C2 value is 8 by 5. So C L2, it will be equal to 5 by 72 Henry. So yahan pe hume L1 mil gaya. Okay, L1 C1 and this is C2 and this is L2 value. So we have obtained the values of all the elements. So I
आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर दैट जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इट विल बी इक्वल टू द हाईएस्ट पावर और द डिग्री ऑफ द फंक्शन. सो यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है उसमें जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, एस की पावर 4. सो इट इज़ 4. सो इट मीन्स दिस इंडिकेट जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे इन द गिवन नेटवर्क इट विल बी इक्वल टू 4. ओके सो लेट मी राइट हियर. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द नेटवर्क it will be equal to the highest degree or power of function of s, so which is 4. So it means number of elements we have 4, that is l1 c1 and l2 and c2. l0 c0 tho 0 tha. Now if we draw the LC network then L0 and C0 जो थे वो 0 हो जाएंगे. वी हैव L1, दिस इज C1. ओके सो दिस इज C1. दिस इज LC network realization using the Foster first form and this is L2 and this is C2. So they are connected in series. So this is Foster first form. Now we can substitute the value. So this is L1 and L1 we have obtained as 3/8 and L2 is 5/72. Okay, so L1 value is 3/8 Henry, this is L2 and this is 5/72 Henry. Similarly C1 it is equal to and this is C2. So C1 value we have obtained as 8/3 and C2 is 8/5. So C1 is 8/3 farad and C2 is 8/5 farad. So this is LC network realization using Foster first form. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे RC नेटवर्क एंड RL नेटवर्क का रियलाइजेशन यूजिंग द फॉस्टर फर्स्ट फॉर्म. सो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. आई विल आंसर देम. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.